इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तीन या चार चीजें महत्वपूर्ण तीन या चार चीजें कही हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है, सेबी का जो सिस्टम है वो सही है, रोबस्ट है, उनकी जो रेगुलेशंस है वो सही है, उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों की रिपोर्टों पे, मीडिया रिपोर्ट्स पे ही सिर्फ कोर्ट आना सही नहीं है, और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ओसीसीपीआर रिपोर्ट आरपी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 22 इंस्टेंसेस हैं उसमें से 20 की तो रिपोर्ट आ गई, और 20 की रिपोर्ट उन्होंने मान ली है सेबी के सही है कि उसमें कोई गलतियां नहीं है, और दो इंस्टेंसेस के लिए उन्होंने कहा है कि 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जाएगी। चौथी चीज सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो निवेशकों का नुकसान हुआ है उसकी तरफ भी हमें गौर देना पड़ेगा, और निवेशकों के लिए समय दिया गया है सेबी को देखने के लिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्यों नुकसान हुआ, शॉर्ट सेलिंग हुई, क्या हुआ। और इसके आधार पे हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान सेबी करेगी, पर अगर सेबी को लगी कि उनको बाकी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, बाकी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है वो भी ली जाए। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे या जो आरोप याचिकाकर्ता भी यहाँ पर लगा रहे थे, एक तरह से डिस्क्रेडिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें? एकदम सही, जो 20 इंस्टेंसेस हैं, जो 20 आरोप थे उनको तो जो रिपोर्ट आ गई है सेबी की और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मान लिया, इसका मतलब यही है कि वो सही नहीं पाए गए। 2 की रिपोर्ट अभी जारी आएगी, 3 महीने में आएगी, तब देखा जाए। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।